हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आप अपने SBI ATM का रिन्यूअल कैसे करें। आपका जब एक्सपायर हो जाता है ATM, तो वो SBI वाले आपको भेज देते हैं आपके एड्रेस पर। लेकिन मान लीजिए आपका कोई ATM खो गया है और आपको एक नया ATM अप्लाई करना है, तो इसको ऑनलाइन कैसे करें, ये आज हम सीखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए पहले हम गूगल क्रोम का ऐप ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हम ऑनलाइन SBI.com खोलेंगे। ये SBI ऐप पर नहीं होगा, आपको गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर पर खोलना पड़ेगा। अब चलिए पर्सनल बैंकिंग पे लॉगिन कर देते हैं। कंटिन्यू लॉगिन पे जाते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने लॉगिन कर दिया है। अब हमको लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो थ्री लाइन है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमको चले जाना है ई सर्विसेज पे। अब दोस्तों हमको ATM कार्ड सर्विसेज सबसे टॉप पे है, इस पर क्लिक करना है। अब थोड़ा नीचे आना है और सबसे नीचे देखिए लिखा है, सबसे नीचे के जस्ट ऊपर लिखा है रिक्वेस्ट और ट्रैक डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए मेरा अकाउंट नंबर आ गया, ये एक ही पे ऊपर क्लिक कर देना है, दूसरे वाले पे क्लिक नहीं करना है, सेकेंडरी अकाउंट है। फिर जो आपको आपको मान लीजिए डेबिट कार्ड चाहिए तो वो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्या नाम लिखना है, तो चलिए मेरा नाम मैं लिख देता हूँ, कार्ड के ऊपर जो नाम रहेगा इसको लिखना है इधर। इसके बाद टाइप ऑफ कार्ड, ये 6 टाइप का कार्ड है, जिस टाइप का कार्ड आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं मास्टर कार्ड सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों वो आपको एड्रेस पूछेगा, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा आपका जो एड्रेस दिए होंगे। अब सबमिट पे क्लिक कर देने पर आपका SBI कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरीके से दोस्तों आप अपने कार्ड का रिन्यूअल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।